नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लियोड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो कुछ टाइम पहले इस कंपनी ने लोअर सर्किट कंप्लीट किया, उसके बाद इस कंपनी में अगेन अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या इस कंपनी को बाइंग की मौका मिलते ही बाइंग कर लेनी चाहिए या फिर इस कंपनी में ऑपरेटर का ये गेम चल रहा है, सब कुछ देखेंगे आगे वीडियो में। लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है। आज ये कंपनी क्लोज हुआ है ₹10.30 पे। इस कंपनी ने रेजिस्टेंस फेस किया था ₹12.50 पे और वहां से गिरना स्टार्ट कर दिया था। अगर आज के डिलीवरी की बात करें तो 100% की डिलीवरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल। दोस्तों अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में हम डेली चार्ट को देखें तो आप देखेंगे इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिला था वो देखने को मिला था ₹8.90 के पास में और यह कंपनी वहीं से बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि वॉल्यूम भी साथ में आपको काफी तगड़ा देखने को मिला था। तो ऐसे में अगर इस कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे इस कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल जो कि ₹12.50 का बनता है, कंपनी अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको ₹15 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन इस कंपनी ने सपोर्ट लिया अगर इसके RSI के थ्रू देखें तो आप देखेंगे 50 के RSI के पास में और वहीं से यह कंपनी बाउंस बैक भी करना स्टार्ट किया है। तो ऐसे में इस कंपनी में ग्रोथ आपको ज़्यादा तगड़ी देखने को मिल सकती है। हालाँकि ये ऑपरेटर का भी गेम हो सकता है, इसी लिए आप अपना स्टॉप लॉस डेली टू डेली ट्रेल करते रहें अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इंटर हुए हैं। क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही यह कंपनी लोअर सर्किट पे आया था तो पहले वो नॉर्मल प्राइस से अपर सर्किट गया था, उसके बाद लोअर सर्किट आया था। तो आप चाहें तो बीच में अपना स्टॉप लॉस अगर डेली ट्रेल करते रहें तो आपको उस दिन लॉस नहीं होगा, आप टाइम से एग्जिट कर जाएंगे। तो इसी के अनुसार आप आगे की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले कंटिन्यू करें, बिल्कुल भी पैनिक न करें। और जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं, एक बार इस कंपनी का ₹12.50 का लेवल टूट जाने दे उसके बाद चाहे बाई करें या फिर आप चाहे तो करंट प्राइस पे भी बाई करके चल सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस लगाएं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।